हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कांदा पोहा। और इसे घर में बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इसे डिलीशियस बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई गरम करके मैंने 4 चम्मच तेल डाला। पोहा में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है क्योंकि जो चूड़ा होता है, पोहा यानी चूड़ा बोलते हैं उसे, तेल को सोख लेता है। और यहाँ पर सेंग दाना भून कर पहले निकाल लीजिए, और अगर शिमला मिर्च आपको पसंद है तो शिमला मिर्च भी भून करके निकाल लीजिए। और 4 प्याज है मीडियम साइज़ का, उसे हम काट कर डाल देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता डालना चाहिए। और हरी मिर्च और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक और हल्दी, छोटी चम्मच से 1 चम्मच हल्दी ली हूँ, जिससे कि इसमें साथ में भून जाएगा और उसका कच्चापन भी निकल जाएगा। और इसमें यहाँ पर 1 टमाटर और 1 चम्मच छोटी चम्मच से जीरा है यानी जीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच गरम मसाला, और 2 टमाटर यहाँ पे मैं पीस कर डाली हूँ, क्योंकि जब पोहे में पूरी तरह से मिक्स होगा तब टेस्ट बहुत अच्छे से खुल कर रहेगा। और यहाँ पे 4 कटोरी पोहा लिया गया है यानी कि चूड़ा, और ये थोड़ा सा बारीक है यानी कि एक इससे भी मोटा पोहा होता है, उसे आप धोकर पहले रख सकते हैं, लेकिन इसे पहले रख देंगे तो सभी पोहा जो है दाना टूट जाएगा। और 1 व्यक्ति के लिए 1 कटोरी सफिशियंट है, और अगर आप थोड़ा हैवी नाश्ता करते हैं तो 1 व्यक्ति के लिए 1 कटोरी तो नॉर्मल है, 1.5 कटोरी या 2 कटोरी ले सकते हैं। और इस तरह से दबा दबा कर हमें निकाल लेना है। उसके बाद अभी यहाँ पर मसाले भून गए, तो टमाटर को 1-2 को दबा कर देख लीजिए। और यहाँ पे डाल दीजिए धनिया पत्ती। धनिया पत्ती जब थोड़ा भून जाता है तो उसका खुशबू भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और जितना भी यहाँ पे मसाला है उसके अनुसार हमें नमक डाल देना है, तो सभी मसाले में नमक अच्छे से आ जाएगा। और अब ये धोया हुआ पोहा डाल करके इसके अंदाज से अब हमें नमक डालना है। इससे क्या होगा, नमक बिल्कुल बराबर हो जाएगा, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होगा। और अब इसे आप अच्छे से धीरे धीरे मिला लीजिए। मिलाने के बाद बिल्कुल अच्छे से जब मिक्स हो जाए तब आपको क्या करना, नींबू का रस निचोड़ करके डाल देना है। और इस तरह से तैयार हो गया कांदा पोहा, और गरम गरम इसे आप सर्व कर लीजिए। और इसके ऊपर फिर डाल दीजिए भुना हुआ सेंग दाना, उसके बाद भुना हुआ शिमला मिर्च और अनार के दाने और धनिया पत्ती। इस तरह से बहुत ही डिलीशियस बनता है कांदा पोहा। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए मेरे चैनल।